और मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोग भले ही कठिन परिस्थितियों में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपने संस्कृति को कायम रखने के लिए आप सब लोग अभी भी अपने मन में बहुत जोरदार भावना रखते हैं, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज भी आपके बीच में आए हैं, पिछले दिनों से कुछ कोविड के मामलों में बढ़ोतरी हो गई है, इसलिए चिंता, लेकिन मुझे आप सबका इस बात के लिए भी धन्यवाद करना है कि इस कोविड के संकट में आप सबका भरपूर सहयोग मिला, समर्थन मिला। हमने कहा कि परहेज करना चाहिए, आप लोगों ने परहेज किया, फिर भी मामले बढ़े, लेकिन जितनी भी हमारी से कोशिश हो सकती थी सरकार के माध्यम से हर व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए उसमें हमने प्रयत्न किया, लेकिन अभी तक भी मेरा आप सबसे इस बात के लिए आग्रह है कि अभी कोविड खत्म नहीं है, कोरोना खत्म नहीं हुआ है, इसलिए अभी भी बहुत सावधानी के साथ काम करने की जरूरत है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी इतने कठिनाइयों के बावजूद, साधन की कमी, सुविधा की कमी होने के बावजूद अब लोग बहुत जीवंत जीवन जीते हैं। जीवंत जीवन जिसका मतलब होता है भरपूर जीवन जीते हैं, आनंद के साथ जीवन जीते हैं, यही सबसे बड़ी एक पूंजी है जो हमको पहाड़ में रहने वाले, कठिन परिस्थितियों में रहने वाले लोगों के जीवन से सीखनी चाहिए। शहर के क्षेत्र में सुविधाएं घर में आंगन में बिजली 2 मिनट के लिए चले जाए, 5 मिनट के लिए चले, हाय पापा हो जाती है, और यहां पर 2 महीने के लिए चले जाती है, तब भी आप लोग मजबूती के साथ उन हालात को, उन परिस्थितियों का सामना करते हैं, और इसे स्वाभाविक रूप से आज के जो परिस्थितियां हैं, जो आपके जो यहां की कठिनाइयां हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों के लिए हमको विकास की दृष्टि से बहुत कुछ अभी करने को बाकी है। आज के इस क्षेत्र के लिए जो हमारी करने की इच्छा है, उसको मैं कह सकता हूं कि वो बाकी क्षेत्र में, बाकी जो दूसरे क्षेत्र में जो काम विकास जो होने चाहिए उससे ज्यादा करने की इच्छा होती है, कोई ऐसे इलाके में होती है जो पिछड़े हैं, जहां कठिनाई है, जहां जीवन बहुत बड़े संकट के दौर में से गुजरता है। TNN News brought to you by Deepak Jweller, Lakkar Bazar, Solan, 9816078655।